बिलासपुर संभाग में पुलिस बल की कमी को देखते हुए रेंज द्वारा पुलिस विभाग में पदस्थ प्रधान आरक्षक जो सहायक उप निरीक्षक योग्य हैं, उनकी भर्ती प्रक्रिया की जा रही है। बिलासपुर संभाग में 12 जुलाई से 15 जुलाई तक योग्य प्रधान आरक्षकों के चयन के लिए भर्ती प्रक्रिया बिलासपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में की जा रही है, जिसमें संभाग से कुल 58 योग्य उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया के लिए बुलाया गया है, जिसमें 5 इस दौरान अनुपस्थित रहे। आए हुए प्रधान आरक्षकों को 5 किलोमीटर दौड़, गोला फेंक, ड्रिल सहित कई अन्य गतिविधियों से मापदंड कर चयन किया जा रहा है, जिसके लिए रेंज द्वारा एक अलग से कमेटी गठित की गई है। सोमवार को डीआईजी एमके ठाकुर, एसपी बिलासपुर बीएन मीणा, एसपी कोरबा अमरेश मिश्रा द्वारा आए हुए प्रधान आरक्षकों का परीक्षण किया गया। रेंज स्तर पर उम्मीदवारों की भर्ती की जा रही है, उसमें पदोन्नति परीक्षा हो रही है। जो जो योग्य उम्मीदवार पाए गए हैं पूरे रेंज पर से, उनको आमंत्रित किया गया, उसके लिए एक अलग भर्ती कमेटी बनी हुई है। उसमें पृथक अधिकारी हैं पूरे रेंज से और पीएचयू अधिकारियों को उसमें लगाया गया है। उसमें जो फिजिकल के इवेंट हैं वो यहाँ पुलिस ग्राउंड में बिलासपुर में ही किए जा रहे हैं। 43 प्रधान आरक्षकों में 10 लोगों का चयन गोला फेंक में अभी तक किया गया है, बाकी प्रक्रिया 15 तारीख तक चलेगी, जिसमें सभी मापदंड में चयन होने वाले प्रधान आरक्षक को चयन करके सहायक उप निरीक्षक के लिए पदोन्नत किया जाएगा। इस प्रक्रिया में आरआई बीएस विध्यांचल, सीएसपी अजीत पाटले, टीआई एसआर गुप्ता, आर एक्का सहित सक्री बटालियन से 2 डीसी को बुलाया गया है।